वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों, दोस्तों। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ। ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन है, ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, KVS, टीजीटी, पीजीटी, NVS, टीजीटी, पीजीटी के जो हिंदी हिंदी का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो लोग हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी या टीजीटी या पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्तों, फ्रेंड्स, लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं इसी तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस सेशन बनाता रहूँ। ठीक है, तो आज हम यूपी टीजीटी 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं आपको कराऊंगा 20 क्वेश्चन। कितने? 20 क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? बताइए, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो शिलांकित कृति है राउल लेवल। राउल लेवल, शिला का मतलब होता है पत्थर, अंकित होता है उस पर लिखना, यानी कि ये राउल लेवल एक ऐसी कृति है जो पत्थरों पे लिखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालीभद्र सूरी की रचना का नाम भतेश्वर बाहुबली रास है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? बताइए, अमीर खुसरो तूतिये हिंद, यानी हिंदुस्तान का तोता के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर होगा ए, अमीर खुसरो तूतिये हिंद। कई लोग इसको तोता हिंद भी बोल देते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसे तूतिये हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान का तोता। चलिए आगे बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल के नाम का नाम किसने दिया? बताइए, आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? तो ये दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बवना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? बताइए, यह प्रसिद्ध उक्ति कही है विद्यापति ने। किसने कही है? विद्यापति ने। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? बताइए, उपदेश रसायन के रचयिता है जीन दत्त सूरी। कौन है? जीन दत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बताइए, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? किस कवि को अभिनव जयदेव? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? बताइए, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्त प्रकरण। उक्ति व्यक्त प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो इनका नाम है मेरुतुंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। वल्लभ द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, तो इसका आंसर होगा अनुभाष्य। अनुभाष्य की रचना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान गीता की रचना किसने की? बताइए, विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना की थी केशव दास ने। किसने की थी? केशव दास ने। खेट कौतुकम की रचना है, यानी खेट कौतुकम किसकी रचना है? बताइए, इसका आंसर है रहीम। तो रहीम की रचना कौन सी है? खेट कौतुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। बताइए, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव वन की वार्ता। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84
वन की वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये तो आप बता दोगे, ये संत रैदास जी की पंक्ति है। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये संत रैदास जी की है। अगला, केशव कही ना जाई का कहिए, केशव कही ना जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है बताइए? यह पंक्ति है तुलसीदास जी की, केशव कही ना जाइए कहीं, तो तुलसीदास की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अंगद पैच की रचना किसने की? अंगद पैच की रचना की थी ईश्वरदास ने। ठीक है, अंगद पैच की रचना किसने की? ईश्वरदास जी ने। तो दोस्तों, आज मैंने आपको यूपी टीजीटी 2013 के 20 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आगे से ये क्वेश्चन की संख्या 50 तक कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें आप छोटा सा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं एसएसटी की क्लास भी लेने वाला हूँ, एसएसटी की क्लास भी लेके आऊंगा, यूपी टीजीटी DSSB टीजीटी एनवीएस और केवीएस के लिए। सीडीपी की जल्दी ही क्लास लेके आऊंगा और ईवीएस की जल्दी ही क्लास लेके आऊंगा। तो आप मेरे इस यूट्यूब पर बने रहिए। सीडीपी और ईवीएस की तो मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। एसएसटी में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं। प्रैक्टिस सेशन और साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लास के बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए, किसी भी एग्जाम की जानकारी के लिए, मेरे टेलीग्राम लिंक ये जो दिया हुआ है विक्रम क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल बोधम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर वहां पे अपने कमेंट डाल के भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।